Hi guys, hello and welcome back to my channel Love Beauty on Duty. So friends, एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी पर आज का वीडियो लेकर आई हूँ मैं. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओव्यूलेशन के बारे में. बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ओव्यूलेशन का पता नहीं होता है कि ओव्यूलेशन क्या है और प्रेगनेंसी से इसका क्या कनेक्शन है, क्योंकि जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनको ओव्यूलेशन डे के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही क्लियरली ये चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपके मासिक धर्म के अकॉर्डिंग आपका ओव्यूलेशन डे कौन सा है. तो वीडियो है वो बहुत ही यूज़फुल है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा. वीडियो अगर अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा. चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा. तो चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इस यूज़फुल टॉपिक पर फुल डिटेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ओव्यूलेशन क्या है. जब ओवरी में एग रिलीज होता है तब ओव्यूलेशन होता है. ओवरी में अंडे के रिलीज होने पर वह स्पर्म से फर्टिलाइज हो भी सकता है और नहीं भी. अगर अंडा ओवरी से गर्भाशय में आकर इम्प्लांट हो जाता है तो प्रेगनेंसी शुरू होती है, और यदि अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है तो एग टूट जाता है और पीरियड्स के दौरान यूट्राइन लाइनिंग गिरने लगती है. तो प्रेग्नेंट होने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ओव्यूलेशन कब और कैसे होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो आपको अपने ओव्यूलेशन के सही समय को समझना होगा. आपके पीरियड्स का पहला दिन आपके मासिक धर्म चक्र का पहला दिन होता है, और पीरियड का लास्ट दिन अगले पीरियड से पहले का आखिरी दिन होता है. तो यदि आपका 28 दिन का मासिक धर्म चक्र है तो ओव्यूलेशन अगले पीरियड से 14 दिन पहले होता है. हालांकि यह मासिक चक्र सभी महिलाओं में एक जैसा नहीं होता है, तो ओव्यूलेशन शुरू होने के 3 दिनों में प्रेग्नेंट होने की संभावना करीब 27 से 33% तक बढ़ जाती है. कई महिलाओं का मासिक चक्र 28 से 30 दिनों का होता है, तो उनमें पीरियड के 10वें दिन से गर्भ धारण करने की अवधि की शुरुआत होती है. तो आप अपने मासिक धर्म को ऐसे समझें जैसे अगर आपका मासिक धर्म चक्र 28 दिनों का है तो ओव्यूलेशन 14वें दिन होगा. वहीं प्रेग्नेंट होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी 12, 13 व 14वें दिन होगी. अगर आपका मासिक धर्म चक्र 35 दिनों का है तो ओव्यूलेशन 21वें दिन होगा. वहीं प्रेग्नेंट होने की संभावना 19, 20 और 21वें दिन होगी. और अगर आपका मासिक धर्म चक्र 21 दिनों का है तो ओव्यूलेशन 7वें दिन होगा. वहीं प्रेग्नेंट होने की सबसे ज़्यादा संभावना 5, 6 और 7वें दिन होगी. तो ओव्यूलेशन के साथ साथ और कुछ खास बातें जिन पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ओव्यूलेशन टाइम जाने के बाद भी अगर प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आ तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है. सबसे पहले आप अपने वजन पर ध्यान दें. अंडरवेट या ओवरवेट होना भी प्रजनन क्षमता के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, मोटापे से ग्रसित महिलाओं में PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होने की अधिक संभावना होती है, जो बांझपन का एक मेन रीज़न है. दूसरी ओर कम वजन होने से लेप्टिन हार्मोन की कमी हो सकती है जो भूख को कंट्रोल करता है. महिलाओं में लेप्टिन हार्मोन की कमी पीरियड्स में प्रॉब्लम पैदा करती है और प्रजनन क्षमता को कम करती है, तो फिट रहना इम्पॉर्टेंट है. दूसरा रीज़न, जैसे अगर आपको पहले से कोई बीमारी हो जैसे डायबिटीज़, अस्थमा, थायराइड, मिर्गी, तो इन बीमारियों की जांच करवाएं, क्योंकि इस तरह की बीमारियां प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं. और इसके अलावा यौन संक्रमित बीमारियों की भी जांच करवानी चाहिए. तीसरी जो चीज़ जिस पर आपको गौर करना है वो है स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस लेने से हार्मोन बदलते हैं और इससे इसके कारण ओव्यूलेशन में भी बदलाव है वो हो सकता है. सो गाइज, आपको अपने ओव्यूलेशन डे के साथ साथ इन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा गौर करना है ताकि आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो पाए, आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर पाए. आई होप मेरा आज का वीडियो है वो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो जाए. सो वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.